नमस्कार। डीएड वर्सेस बीएड से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट। तो 24 अप्रैल की सुनवाई में इस कारण से होगी डीएड अभ्यर्थियों की हार। आज हम इस वीडियो में इन तीन टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा डीएड अभ्यर्थियों की हार का महत्वपूर्ण कारण। दूसरा टॉपिक रहेगा आपके प्रश्न का समाधान कि हमारे वीडियो अधिकांशता डीएड के पक्ष में क्यों रहती है। तीसरा प्रश्न है यदि बीएड अभ्यर्थी बाहर होते हैं तो कट ऑफ क्या रह सकती है। तो बढ़ते हैं सबसे पहला आपके प्रश्नों का समाधान करने की ओर। हमारे वीडियो अधिकांशता डीएड की ओर नहीं रहती है। जो ऑथेंटिक होती है जानकारी वही देने का प्रयास किया जाता है। आप चाहें तो 8 अप्रैल की सुनवाई को देख लीजिए। 90% थंबनेल पर एक ही थंबनेल नजर आ रहा था कि बीएड अभ्यर्थी की हुई जीत, डीएड अभ्यर्थी की हुई हार। हमने वीडियो बनाकर आपको जानकारी दी थी न डीएड अभ्यर्थियों की जीत हुई न ही बीएड अभ्यर्थियों की, पूर्ण रूप से वही 10 अप्रैल के आदेश में सामने आया। अब फंडिंग के जो वीडियो होते हैं डीएड अभ्यर्थियों की पर्सनल फोन पर बात होती है, वह हमसे विनम्र अनुरोध करते कि सर एक फंडिंग के लिए वीडियो लेकर आइए। इस कारण से हम वीडियो फंडिंग का लेकर आते। यदि हमसे बीएड अभ्यर्थी भी फंडिंग के लिए कहते तो हम उन पर उनके लिए भी वीडियो लेकर आते, किंतु बीएड अभ्यर्थियों की फंडिंग पर्याप्त हो जाती है। डीएड अभ्यर्थी बेरोजगार हैं जिसके कारण से उनकी जो फंडिंग है वह नहीं हो पाती है। इस कारण से हम फंडिंग का वीडियो लेकर आते हैं, पर वास्तव में जो ऑथेंटिक होती है हम वही जानकारी देने का प्रयास करते हैं। दूसरा प्रमुख कारण है कि डीएड अभ्यर्थी किस कारण से हार के नजदीक है। तो डीएड अभ्यर्थियों की हार के नजदीक पहुंचने का सबसे बड़ा कारण उनकी फंडिंग, क्योंकि डीएड अभ्यर्थी जो अधिकांशता डीएड अभ्यर्थी हैं वह जब फाइनल डेट सुनवाई की आती है तो बेसब्री से उस केस को सुनते हैं और देखते हैं कि यूट्यूब पर कब इसकी अपडेट आए। पर वास्तव में फंडिंग की स्थिति जो होती है वो दयनीय है। कोई भी डीएड अभ्यर्थी जो अग्रसर है वही बस फंडिंग कर रहे हैं, बाकी सभी कोई फंडिंग नहीं कर रहा। सभी लोग यही चाहते हैं कि उनकी बिना फंडिंग के उन्हें जॉब मिल जाए, और यही सबसे बड़ा कारण उनकी हार का बन रहा है। क्योंकि यदि आप फंडिंग नहीं करोगे तो आपका केस मजबूती से सुना नहीं जाएगा, मजबूती से सुना नहीं जाएगा तो आपकी होगी हार, क्योंकि बिना कर्म किए फल नहीं मिलता। इसलिए आप इस उम्मीद में ना रहे कि सभी फंडिंग कर रहे हैं या क्या स्थिति बन रही है, क्योंकि यदि आप फंडिंग नहीं करेंगे तो केस को सही तरीके से सुना नहीं जा सकता है, पैरवी नहीं की जा सकती, वकील सही तरीके से नहीं आएंगे, सही तरीके से अपनी बात नहीं रखेंगे। जो आपके 70% चांस जीतने के हैं वह 70% चांस हारने के बन जाएंगे। अभी 24 अप्रैल की सुनवाई में लगभग पूर्ण रूप से फाइनल आदेश आ सकता है, क्योंकि लंबे समय से केस चल रहा है। माननीय न्यायाधीश महोदय से जी ने डीएड और बीएड वर्ग 3 की जो चार्ट मंगाई है वह ये नहीं कहा कि आप बीएड अभ्यर्थी लेकर आए कि डीएड अभ्यर्थी लेकर आए, कोई भी लेकर आ सकता है, यहां तक कि मध्य प्रदेश सरकार भी ला सकती है। तो इस कारण से 24 अप्रैल को लगभग पूर्ण रूप से आदेश आने की संभावना है। संभावना है क्योंकि आदेश में देर से भले आ सकता है लेकिन पॉजिटिव आदेश आए तो अच्छा रहेगा। इसलिए आप फंडिंग में बिल्कुल भी कमी ना बरतें, क्योंकि आपका फंड भविष्य आपकी दिया हुआ फंडिंग ही पर डिपेंड करेगा। हम कभी यह नहीं कहते कि फंडिंग आप कितनी करें, आप यथा संभव यथा स्थिति जितनी आप कर सकते उतनी फंडिंग करें, क्योंकि वर्तमान में आप बेरोजगार हैं तो फंडिंग की स्थिति आपसे बेहतर कौन अपनी जान सकता है। अब आपको फंडिंग कहां पर करनी है तो इसके लिए सबसे पहले टेलीग्राम पर जाएं, नरेंद्र विश्वकर्मा लिख के सर्च करें, हमारा चैनल आ जाएगा, वहां पर आपको QR कोड मिल जाएगा। उस QR कोड पर अपनी क्षमता अनुसार फंडिंग करें, क्योंकि यदि आप 500,000 5,000 भी फंडिंग करेंगे तो वह कहीं ना कहीं आपकी जॉब के लिए जॉब को दिलाने का एक कदम होगा प्राप्त होने का। अब अंतिम प्रश्न है कि यदि बीएड अभ्यर्थी हटते हैं तो जो फाइनल कट ऑफ है क्या रह सकती है। तो हमने गेस्ट व नॉन गेस्ट दोनों के लिए बड़ी विश्लेषण तरीके से कट ऑफ पर वीडियो बनाया है। यदि आप देखना चाहें तो उस कट ऑफ की वीडियो इस वीडियो की इन डिस्क्रिप्शन पर गेस्ट प्लस नॉन गेस्ट दोनों के लिए आप दी जा रही है, आप जाकर देख सकते हैं।
लेकिन फंडिंग जरूर करें। नमस्कार।